ओम तत्सत दिव्यात्मन, आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद सरस्वती का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान एवं सब साधु और संतों को, और आप सब दिव्य आत्माओं को। वेलकम एंड ओम तत्सत टू ऑल ऑफ यू डिवाइन सोल्स टू ज्ञान भक्ति चैनल from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Brahman, to my worshipful Guruji, Sri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj, to Lord Hanuman and all sages and saints, and to each of you divine soul watching today's satsang. So we are currently covering the Hanuman Chalisa and understanding each of the chopai, each of the verse in its detailed form, and through the commentary of our Gurudev, Swami Jyotirmayananda, and narrated by myself, Swami Nikhilananda. So, har roz hum ek chopai ko pakad kar uska gud arth samajhte hain aur uska anand lete hain. To chaliye, aaj hum chopai number 11 par focus karenge, chopai number 11 of Hanuman Chalisa. So, today we will be doing only one chopai because it's slightly longer. लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए. So having brought Sanjeevani booty, the potent herb that revives one from the mortally wounded, you brought Lakshmana back to life. Immensely pleased, Lord Rama enfolded you in his arms. So आप भगवान हनुमान, आप भगवान के रूप में लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए और उससे उनके प्राण बचाए, और इतने खुश हुए भगवान राम की अश्रुधार से उन्होंने भगवान हनुमान का आलिंगन किया. लक्ष्मणा इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ विल पावर. तो लक्ष्मण कौन है? हमारी शक्ति का प्रतीक है, हमारी एनर्जी का प्रतीक है. द एफ्लिक्शन ऑफ ईगो सेंस अस्मिता क्लेशा इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेरिबल डीमन मेघनाथ. तो मेघनाथ कौन है? हमारे अंदर जो अहंकार का भाव है वो है. सो वन हु रोम्स लाइक अ मेघनाद, मतलब बादलों का नाद. वन हु रोर्स लाइक अ थंडरिंग क्लाउड. इट इज द डीमोनियक ईगो सेंस दैट रिजाउंड्स थ्रू वन्स राजसिक एंड तामसिक संस्कारस, इम्प्रेशंस एंड वासनस, सटल डिजायर्स, शटिंग आउट द मेलेडी ऑफ द मिस्टिक प्रेजेंस ऑफ गॉड. Samskaras or deep-rooted impressions are like seeds, while subtle inclination or vasanas are like sprouts. तो जो ये अहंकार है, demoniac ego sense है, तो वो हमारे राजसिक और तामसिक संस्कार में वास करता है. तो वहाँ से हमारी वासना और वृत्ति आता है. वृत्ति यार जैसे सीड्स, जैसे जब आप सीड डालते हैं फिर वो उगता है, तो जब वो उग जाता है तो वो वृत्ति के रूप में बढ़ जाता है, वासना के रूप में आ जाता है. तो शटिंग आउट द मेथड मेलेडी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. तो जब ये अहंकार रूपी बीज है तो वो हमारा आध्यात्मिक मार्ग को अवरोध लगा देता है. इट स्टॉप्स अस फ्रॉम progressing spiritually. If the mind is dominated by ego, it is as if dominated by ego's terrible sounds. So, jaise meghnad, just like lightning and the terrible sounds of the cloud, what happens is the ego clamors and clankers and wants its own attention. ऐसे ही ये अहंकार भी अपना attention मांगता है. तो मेघनाद को क्या बोला जाता है? इंद्रजीत. also another name of मेघनाद is इंद्रजीत, he who conquered Indra. So Indra is symbolic of Swarga. तो Swarga means you only want heavenly items, relative heaven acquired by dharma or virtuous karmas. तो जब हम अच्छे काम करते हैं केवल स्वर्ग प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता. यू डू नॉट अचीव सेल्फ रियलाइजेशन बट यू डू गेट स्वर्ग. द इविल रोल ऑफ मेघनाद ईगो सेंस थ्रेटन्स
even the enjoyments of that relative heaven, since the soul that has attained Swarga without rooting out ego must eventually incarnate again and again in the cycle of birth and death. तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जब तक अहंकार को हम मूल रूप से जड़ समेत नहीं उखाड़ देंगे, तब तक हम ये चक्र आवागमन का चक्र चलता रहेगा, क्योंकि अहंकार मूल रूप से नष्ट नहीं होता. It is not destroyed fully. However, the will in an aspirant must be directed to the attainment of nivritti, a mystic movement leading the soul to conquer egoism and dissolve the very sense of individuality, like a river entering the ocean. तो हमको अपना जो इच्छा शक्ति है, अपना विल पावर है, हमको साधना में इतना उसको लगाना है निवृत्ति के मार्ग पर, विच मीन्स उसको भगवान के मार्ग पर अपनी विल को लगा लेना है. तो जो वो मिस्टिक मूवमेंट होता है, वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम दैट, वो हमारे अहंकार के ऊपर कंट्रोल डालना शुरू कर देता है और हमारा अहंकार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है. तो वी स्टार्ट इन्जॉइंग द मिस्टिक एनर्जी, भगवान का फिर हमारे अंदर दिव्य गुणों का वास होना शुरू हो जाता है. जैसे एक रिवर, नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो थोड़ी देर तक तो पानी का रंग फर्क रहता है, बट देन इट बिकम्स वन विद द ओशन. सो द जस्ट लाइक अ रिवर मर्जेस विद द ओशन, वी ऑल्सो लूज अवर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड वी मर्ज इन टू द जॉय ऑफ आवर सोल. तो आत्मा के आनंद में हम रमने लगते हैं. There are times when the will of an aspirant appears to be terribly wounded. तो कभी कभी इस युद्ध में हमारा जो शक्ति है, विल पावर है, हमारा क्रिया शक्ति है, वो हर्ट हो जाती है, जैसे लक्ष्मण को चोट लग गया था. तो ड्यूरिंग दिस बैफलिंग प्रेडिकमेंट, तो जब हमको चारों ओर अंधियार दिखता है, भगवान राम भी असहाय से मालूम पड़ते हैं, तो हनुमान जी आते हैं. हनुमान कौन है? आपकी श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भक्ति, दैट फेथ दैट हैज बिकम द सर्वेंट ऑफ रामा. तो श्रद्धा भगवान की दास है, हनुमान भगवान के दास हैं. ही अकॉम्प्लिशेज अ मिरेक्युलस फीट ऑफ स्पिरिचुअल वैलर. तो हनुमान जी बड़ा बड़ा काम करके वहां से जड़ी बूटी संजीवनी लेके आते हैं, पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं. ओवरकमिंग ऑल ऑब्स्टिकल्स, हनुमान जी ब्रिंग संजीवनी बूटी. तो जो लोग सुंदरकांड जानते हैं, those of you who have read Ramayana in the Sundarkand, you know how many obstacles came in Lord Hanuman's way when he was going to get that herb, and he had to bring it by the morning time, otherwise Lakshmana would not survive. So it was under intense time pressure and stress that Lord Hanumanji accomplished such a big thing. With divine grace, healing powers, he did bring the Himalayan herb. तो भगवान हनुमान फिर वहाँ से संजीवनी बूटी लेके आए, तो लक्ष्मण फिर से जी गए. जब हमारा विल पावर वीक हो जाता है, वी थिंक दैट नथिंग विल वर्क, तो हनुमान की शक्ति हमको बहुत नया प्राण का ऊर्जा देती है, हमको वापस जीवित कर देती है. तो अब फुली हेडेड एंड ब्लेस्ड बाय रामा, लक्ष्मण डिस्ट्रॉयज मेघनाथ. तो अब जब संजीवनी बूटी मिल जाता है, लक्ष्मण को शक्ति आ जाता है, तो इस बार लक्ष्मण मेघनाथ का अंत कर देते हैं, अर्थात अस्मिता क्लेशा. ईगो इज कम्प्लीटली एनहाइलेटेड बाय हू? बाय लक्ष्मणा, विथ विल पावर. तो विल पावर से अहंकार का नाश हो जाता है और भगवान राम की यात्रा आसान हो जाती है. अब वो रावण के वध में समय नहीं लगेगा. नाउ रावणा विल बी डिफीटेड बिकॉज ऑल दी ऑस्पिशियस साइंस आर कमिंग टुगेदर. देयरफॉर रामा एनफोल्डेड हनुमान इन हिज आर्म्स शावरिंग हिज इमेंस लव. तो इसीलिए भगवान राम हनुमान को एक अम्ब्रेस डालते हैं, बहुत प्यार से उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनका आदर भी करते हैं. तो ऐसी भावना है भक्त में और भगवान में. तो यही आशा करते हैं कि हम सब में भी यही भक्ति भाव जागे. वी होप एंड प्रे दैट ईच ऑफ अस ऑल्सो फील हनुमान लाइक डिवोशन एंड भक्ति. दिस इज स्वामी निखिलानंदा. ओम तत्सत.